लोगों को ध्यान से देखिए, आपको मंदिर में भीड़ नजर आएगी। ये भक्त नहीं बल्कि सनातन रक्षक दल के लोग हैं, जिनके हाथों में सफेद कपड़ा है और इसे मंदिर में विराजित एक मूर्ति को पूजा जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल है आखिर क्यों? तो चलिए इस खबर को शुरू से शुरू करते हैं। अजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक दल। अरे जी, किस मूर्ति आप लोगों ने हटाया है? ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। साईं भक्त भी नाराज बताया जा रहा है। कौन साई भक्त नाराज है? एक भक्त का नाम बताइए। सनातन धर्म में एक कोई साई भक्त का नाम बताइए जो नाराज है। साई भक्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी। गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? वो टुकड़ा है नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। मूर्ति तो हो ही नहीं सकता। वो हमारे शिव जी को आशीर्वाद देंगे। साईं जी अजय शर्मा को आप भगवान मान के कहेंगे कि भगवान शंकर को आप जो है आशीर्वाद दो, क्या उचित है? और भी मंदिरों में है साईं। तो काशी के 12 मंदिरों से अभी तक 14 मंदिर से हटाया जा चुका है, अन्य मंदिर से काशी खंड के हटाया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप जागृत होइए, अपने सनातन देवी देवताओं पर विश्वास करिए, अन्य पे जो है मुक्ति पाइए। बनारस आस्था का भी केंद्र है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की नई नई बातें सुनने को मिलने लगी आजकल। इसके पहले लगातार पूजाएं भी होती रहीं और मैं किसी धर्म के बारे में और किसी भगवान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आवश्यकता क्या, क्यों आवश्यकता ऐसी पड़ी। आज आवश्यकता काशी में है कि हमारे जो बनारस की जो मूलभूत समस्या है, सड़क, सीवर, पानी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। आज गंगा का प्रदूषण है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। माँ गंगा की हम सब बात करते हैं, आज माँ गंगा का क्या हाल है मैं आपको बताना नहीं। अभी मुझे जो जानकारी है कि 50 से ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पे, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। और लगातार भाई मंदिर मस्जिद की बात कैसे, कब तक चलेगा? कब तक भगवान की बात होगी? कब तक साईं बाबा की बात होगी? बात अब होनी चाहिए पढ़ाई पे, लिखाई पे। कैसे अच्छी पढ़ाई हो सके, कैसे अच्छा माहौल बन सके, कैसे हमारे बनारस के लोग तरक्की कर सके, कैसे नए उद्योग बनारस में आए, कैसे बनारस के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काशी का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।